हैं यहाँ से, ये जो मेरा टाइम स्लाइडर है, टाइम लाइन है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। टाइम स्लाइडर, रेंज स्लाइडर, हेल्प लाइन, मैंने इसको बंद करके रख देता हूँ। और मेक श्योर कि तुम्हारा अंडो इन्फिनिटी रहे, ठीक है। ये अभी भी तुम लोग जो प्रोजेक्ट का काम कर रहे हो ना, तो उसमें क्या होता है कि उसमें ये सारे के सारे चेंजेस देख लेना। और ये खास करके तुम्हारा जो अंडू है वो इन्फिनिटी रहना चाहिए। अगर मैं इन्फिनिटी करूँगा तो ये 50 वैल्यू आ जाएगा, ऑनली 50 टाइम्स ही तुम उसके पीछे जा सकते हो। इन्फिनिटी रहेगा तो तुम कोई भी हद तक पीछे जा सकते हो। तो ये सब कुछ ध्यान में रखना तुम लोग जो भी अभी प्रोजेक्ट का काम कर रहे हो। अभी मेरा जो यूवीज है, बॉडी का जो यूवीज है वो कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो उसको मुझे सुधारना है। पहले तो मुझे क्या करना है, पहले मुझे फेस का यूवीज अनरैप करना है, ठीक है। तो फेस का यूवीज अगर अनरैप करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसको पहले फेस का जो फेस है मतलब ये फेस है, वो फेस सिलेक्शन करके मुझे उतना पोर्शन सिलेक्शन करना पड़ेगा। एंड पर्टिकुलर उसको मुझे अलग से मैपिंग डालना पड़ेगा। तो मैं बाकी जो इधर सब कुछ है उसको मैं हाइट करके रख देता हूँ, जैसे कि टाई हो गया, टिप, आईज एंड देन ओके। तो मैं पर्टिकुलर इस मॉडल को इधर रखा है ना। अभी मैं सिलेक्शन करता हूँ, मुझे इस फेस को ही सिलेक्शन करना है। तो बाकी जो सिलेक्शन आएगा उसको हम लोगों को डिलीट करना होगा। यूवी टेक्सचर करने के लिए जाओगे तो तुमको थोड़ा मेहनत या फिर थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। देखो अभी मैंने बाहर का पोर्शन तो डिसलेक्ट कर दिया, बट कुछ अंदर का पोर्शन रह गया उसको भी हम लोग डिसलेक्ट कर देंगे। तो और ये सब कुछ तुमको अच्छी तरह से सिलेक्शन करने के बाद अच्छी तरह से तुमको देख लेना है कि प्रॉपर हर जगह पे सिलेक्शन आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है। ये हम लोग को ध्यान रखना है। तो अभी मैंने कहाँ तक मैंने सिलेक्शन किया है, ये जो मेरा शार्ट पोर्शन है, शार्ट पोर्शन से पहले जितने भी सारा यूवीज है मैंने उसको सिलेक्शन किया है, ओके। तो यहाँ मैं ये देख सकते हो कि इतना पोर्शन उसका फेस का यूवीज है। तो अभी इसमें मैं सिलिंड्रिकल मैपिंग यूज कर रहा हूँ। तो सिलिंड्रिकल, और ये ऐसा मैंने टच करवा दिया। तो अभी तुम देख सकते हो कि तुम्हारा जो मॉडल है वो कैसा दिख रहा है। तो मैंने इसको थोड़ा हटा के इस जगह पे लेके आ सकता हूँ। बाद में मैं इस बॉक्स के अंदर दोबारा रख सकता हूँ।
अभी मैं काम करने के लिए इसको हटा के लेके आया, ठीक है। तो ये सिलिंड्रिकल मैपिंग देने के बाद ये तुम्हारा टोपोलॉजी वाइज कुछ ऐसा दिख रहा है। मैंने यूवी सिलेक्शन कर लिया, ये कुछ यूवी ऐसा बाहर चला जाता है पी, ठीक है। अगर तुम यहाँ से सिलेक्शन करोगे तुम यहाँ भी देख पाओगे कि सिलेक्ट कहाँ हो रहा है, ठीक है। तुम यहाँ भी देख पाओगे कि यूवी, अगर मैं इसको सिलेक्शन करता हूँ तो यहाँ जो यूवी सिलेक्ट होता है तो यहाँ तुम देख सकते हो, सी ये देखो ये सिलेक्ट मैंने किया है तो ये इधर का सिलेक्शन है। ये सिलेक्शन लेके अभी हम लोग को कुछ कुछ चीजें कट करना पड़ेगा, कट ईवीज एजेस। तो वो क्या है, वो ऐसा है कि इसके मुंह के अंदर, इस फेस के अंदर जो टंग पोर्शन है जो हम लोगों ने किया था, ठीक है। तो अभी वो दिख नहीं रहा है, अभी वो सामने से दिख नहीं रहा है, तो इस पोर्शन को हम लोग कट करके अलग से रख देंगे, ठीक है। तो अभी इधर तुमको समझ में नहीं आएगा कि ये पोर्शन कहाँ उसको कट करूँ, इसलिए मैंने फेस के अंदर मतलब जो माउथ है माउथ पोर्शन के अंदर गया, एंड देन यहाँ से ऐसे डबल क्लिक करके मैंने एज सिलेक्शन कर लिया है। अभी एज सिलेक्शन करने के बाद तुमको देखना पड़ेगा कि ये कहाँ से आ रहा है। तो मेरे हिसाब से ये इधर से अगर आ रहा है ना तो ये प्रॉपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर तुम सामने वाला जो ये पोर्शन है, ये एज है, उसको भी सिलेक्शन कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से ये वाला पोर्शन सिलेक्शन करना सही रहेगा, ओके। एंड देन जैसे ही मैंने इस ये एज को मैंने सिलेक्शन किया है तो ये इधर भी ऐसा सिलेक्शन दिख रहा है मुझे, ओके। तो यहाँ जाके हम लोग यूवीज में जाते हैं, यूवीज में जाके कट यूवीज एजेस, कट यूवीज एजेस अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये कट हो जाना चाहिए एक्चुअली। एंड देन यहाँ इसका जो बॉर्डर लाइन है, इसको बॉर्डर मैंने ऑन कर दिया। ध्यान से देखो, बॉर्डर जब तुम्हारा यूवीज एजेस कहीं या कहीं से जो होता है तो ये बॉर्डर है ये हाई होके रहेगा, ताकि तो समझ में आएगा कि ये जो एजेस है ये कटा हुआ है, ये अलग पोर्शन है, डिफरेंस पोर्शन है, ठीक है। फ्रॉम द बॉर्डर, तो मैंने ये जो एज थिकनेस है उसको मैंने ऑन कर दिया, तो तुम देख सकते हो कि इसका जो थिकनेस है, जो कटा हुआ पोर्शन है वो तुम्हारा ज्यादा आ गया है। तो अभी यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं कि अगर मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो इसका भी तुम्हारा थिकनेस बढ़ गया। देखो अगर मैं अंदर से जाता हूँ ना, ये थिकनेस बढ़ गया, इसका भी तुमको थिकनेस ये दिख रहा है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट सिलेक्ट सेल, और पर्टिकुलर इस सेल को मैं सिलेक्ट करता हूँ, ओके, एंड डब्ल्यू सिलेक्ट सेल, इस पोर्शन को बाहर लेके चलाया, ओके। तो ये अंदर वाला पोर्शन मैंने क्रॉप करके, तुम देख सकते हो ये अंदर वाला पोर्शन क्रॉप करके मैं इसको बाहर लेके चलाया। और यहाँ अगर मैं ये वाला वायलेट कलर का पोर्शन ऑन करता हूँ तो हम लोगों को समझ में आता है कि कौन सा पोर्शन ओवरलैपिंग है या फिर कौन सा पोर्शन फ्लैट अनरैप किया हुआ है। तो हम लोगों को दिख रहा है, देखो ये पोर्शन डार्क वायलेट कलर का है, ब्राउन कलर का है, तो ये सब ओवरलैपिंग किया हुआ है, ठीक है। कान में भी ऐसा है, ईयर में भी ऐसा है, आईज के अंदर भी ऐसा है, नोज में भी अंदर है, तो हम लोग धीरे धीरे इसको ठीक करेंगे। ये तो मैंने पहले भी दिखाया था, सी एंड देन ना, उसके बाद आ गया तुम्हारा आईज। आईज के ये पोर्शन तुम सिलेक्शन कर सकते हो, ओके, पर्टिकुलर ये पोर्शन या फिर अंदर वाला पोर्शन, जो भी तुमको लगे। मैं ये वाला पोर्शन सिलेक्शन कर लेता हूँ, ठीक है। तो हम लोग को दिखेगा, और सिर्फ सिलेक्शन दोनों तरफ यूवीज, कट यूवीज एजेस, तो दोनों का कट आ गया। एंड देन यहाँ जाके सेल, सी ये सेल मैंने सिलेक्शन कर लिया है, ये ऊपर रखा है इसको, ये भी ठीक है। तो देखो ये मेरा आईज का जो पोर्शन है वो नीट एंड क्लीन हो गया। सिमिलर वे इसमें मैं कान को भी काटूंगा, ठीक है। तो कान का जो टोपोलॉजी है, अगर मैं यहाँ से सिलेक्शन कर लेता हूँ, ये
राउंड करके पोर्शन मैंने सिलेक्शन करके मैं इसे क्रॉप करता हूँ, और उसके साथ साथ ये इसको भी स्विच सिलेक्शन करके कोई सिलेक्शन कर लिया एक साथ, और मैंने यूवीज में जाके कट यूवीज एजेस सिलेक्ट सेल, कान को इधर रखा ये वाला कान को की तरफ रखा। तो पहले बात ये करना पड़ेगा एंड देन उसके बाद नोज के अंदर भी सेम प्रोसेस, डबल क्लिक शिफ्ट सिलेक्शन डबल क्लिक कटी हुई एजेस सिलेक्ट सेल, ओके ये सेल हमको सिलेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो नोज के अंदर भी जो क्रॉप करना था उसको हम लोगों ने क्रॉप कर दिया है, और ये सब थोड़ा ऊपर लेके चले गए इसको भी ऊपर, ठीक है। तो ये मेरा आ गया फेस का यूज, ठीक है ना। इसके बाद अगर तुम इसको कुछ और ज्यादा चेंज करना चाहते हो तो इसका यूज सिलेक्शन करके हम लोग इसको अनफोल्ड करते हैं, वो मैंने ऑलरेडी बहुत बार दिखा चुका हूँ, ठीक है। तो अगर तुम इसको करना चाहते हो तो तुम इसको कर सकते हो, जैसे टूल्स में जाके स्मूथ यूवी टूल्स है, ये अनफोल्ड का ऑप्शन तुमको मिलेगा, तुम इसको अनफोल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो देखिएगा तुमको धीरे धीरे जो पोर्शन अनफोल्ड करना था अनफोल्ड कर देगा, या फिर अगर जो ऑप्शन हम लोग नॉर्मली करते हैं वो है तुम्हारा पॉलीगन में जाके तुम्हारा अनफोल्ड ये ऑप्शन, इससे भी तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। ये अनफोल्ड वाला ऑप्शन मैंने पहले भी दिखाया था, जैसे कि अगर सपोज अनफोल्ड के ऑप्शन बॉक्स में जाके अगर ये रिसेट रहता है तो ऐसा रहता है, देन उसको क्या करना है लेगेसी करना है, यहाँ पिन सिलेक्टेड यूवीज करना है एंड देन फिर उसको अनफोल्ड करना है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम लोगों को यूवी सिलेक्शन करके सपोज इधर लेके गया, ये चार वाटर सिलेक्शन करके मैं यहाँ से उसको अनफोल्ड कर रहा हूँ अप्लाई सी, ठीक है। तो ये और ज़्यादा अच्छी तरीके से वो अंदर हो जाता है, तो ये अभी तुम लोगों खुद को करना है, क्योंकि ये मैंने पहले बोल दिया, अगर किसी को प्रॉब्लम आता है तो फिर मैं बोलूँगा, अगर किसी को प्रॉब्लम आता है फिर मुझे बोलना, ठीक है। एंड सिमिलर वेज में इसका मुझे शार्ट कर भी करना है अलग से, ठीक। एंड मुझे हैंड का भी करना है अलग से, हैंड को अगर करना है तो पहले तुमको शार्ट का ये पोर्शन क्रॉप करना पड़ेगा, थिंग्स अगर मुझे सिलेक्शन करना है, ठीक है, तो पहले ड्रैग करके सिलेक्शन करके ये सब निकाल दो, फोर प्रेस पकड़ के
ओके पर्टिकुलर शर्ट का ये पोर्शन सिलेक्शन करके उसको क्या करना है, उसको हम लोगों को सिलिंड्रिकल मैपिंग अप्लाई करना है। तुम सिलिंड्रिकल मैपिंग भी अप्लाई कर सकते हो या फिर प्लेनर मैपिंग भी अप्लाई कर सकते हो, बस बट बेस्ट रहेगा तुम सिलिंड्रिकल मैपिंग ले लो उसको मतलब 360 डिग्री। एंड देन उसके बाद क्या करना है, उसको छोड़ना नहीं है, यहाँ क्लिक करके उसको हम लोगों को रोटेशन करना है। ठीक है, तो यहाँ क्लिक करके मैंने उसको रोटेट किया ऐसा, ठीक है। यहाँ तुमको देखना पड़ेगा कि इसका यूज कैसे हो रहा है, उसको रोटेशन करो। ओके एंड देन छोड़ दो और सिलेक्ट सेल, उसको बाहर लेके आ जाओ। एंड देन ये जो तुम्हारा फोल्ड रहेगा ना, ये तुम्हारा हाथ का ऊपर वाला पोर्शन है। अगर मैं यूवी सिलेक्शन कर लेता हूँ, सी, ये तुम्हारा हाथ का ऊपर वाला पोर्शन है, ठीक है। एंड देन जो अंदर वाला पोर्शन है ना, ये इस तरह का अंदर है, तो तुम क्या कर सकते हो कि इस पोर्शन से उसको कट कर सकते हो, ये पोर्शन जो है, ठीक है, इसको कट करके अलग लेके जाओ। एंड देन फिर उसको अंदर करके फिर उसको स्टिच कर दो। तो ये कट करके मैं यहाँ कट कर लेता हूँ, यूवीज कट यूवीज एजेस, ठीक है, सेलेक्ट सेल, ये मैंने बाहर लेके चला है, ठीक है। बाहर ले आने के बाद इसको तुम अलग से प्लेनर मैपिंग भी यूज कर सकते हो या फिर इसके ऊपर भी काम कर सकते हो, जो भी तुमको इच्छा लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इन दैट केस अगर मैं उसको स्मूथ यूज करने के लिए जाऊंगा या फिर अनफोल्ड, मैं यहाँ से ऑप्शन लेने के लिए आऊंगा, तो ये ऐसा कुछ खास चेंजेस नहीं होगा। तो इमेज में टूल्स में जाके अगर मैं इसमें स्मूथ यूवीज, अच्छा मैंने सिलेक्शन नहीं किया है, ठीक है, देखो ये उल्टा होके सीधा हो गया है ना, ये परफेक्ट हो गया। तो अभी इन दैट केस अगर इन दैट केस तुमको क्या करना है, अगर एक सिलेक्शन करता हूँ मैं, ठीक है, तो तुम देख सकते हो जैसे कि अगर जो भी एज में सिलेक्शन करता हूँ, मतलब अगर इस एज सिलेक्शन करता हूँ, इसके साथ ऑटोमेटिकली ये भी सिलेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये इसके साथ जोड़ने वाला है, ठीक है। उससे पहले इसको भी एक बार देख लेंगे सिलेक्ट सेल करके, ये प्रॉपर है या नहीं है, नहीं तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ये भी सिलेक्शन करके ड्रैग करके हम लोग सिलेक्शन कर लिया है, एंड देन इमेज में टूल्स में जाके उसको स्मूथ यूवी टूल अनफोल्ड, ठीक है, उसके बाद अनफोल्ड कर दिया। तो ये जो पोर्शन ओवरलैपिंग था वो अनरैप हो गया अच्छी तरीके से। एंड देन उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये एज के साथ उसको स्टिच कर देंगे। तो कैसे स्टिच करेंगे, राइट क्लिक एजेस, मैंने पर्टिकुलर ये एज सिलेक्शन किया, तो देखो इधर भी तुमको दिख रहा है कि पर्टिकुलर कौन सा एज मैंने सिलेक्शन किया है, ठीक है। एंड देन पॉलीगन में जाके मूव एंड स्क्यू यूवी एजेस, तो ये मूव करके स्क्यू हो जाए, ठीक है। एंड अभी एक बार पूरा ड्रैग करके सिलेक्शन कर लिया है, अभी ये जो शर्ट का पोर्शन है हैंड का, देखो अभी पूरा ये ओपन हो गया ऐसा, ठीक है, ये पूरा अभी अंदर होके पूरा ओपन हो गया, ओके। तो इस तरीके से तुमको ओपन करना पड़ेगा। सिमिलर वेज में यहाँ भी ऐसा सिलेक्शन करके तुमको ओपन करना पड़ेगा, हाथ को भी ऐसा सिलेक्शन करके ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब कुछ मैंने पहले से दिखा दिया था। पैड का भी बहुत इजी है, सीधा सीधा ले लो, क्योंकि कहाँ तक तुमको लेना है, जब तुम शर्ट करोगे बॉडी पोर्शन, तो तुमको ये यहाँ से यहाँ तक ही लेना है पूरा ओवरऑल, एंड देन पैंट का पोर्शन अलग से लेना है। तो तुम जितना टुकड़ा टुकड़ा करके उसको करोगे, मतलब अलग करके, ठीक है, उतना तुम कंफर्टेबल जोन में रहोगे। अगर तुम पूरा एक साथ करने के लिए जाओगे, मे बी उसमें तुमको बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है। ओके कोई सवाल ही, देखो ये फेस का जो ये पोर्शन है, तो नॉर्मली क्या कर लेते हैं हम लोग, यहाँ से हम लोग उसे क्रॉप कर सकते हैं। अगर यहाँ से हम लोग उसे क्रॉप करते हैं, तो ये
क्या होता है कि यहाँ से निकल जाता है, ठीक है, यहाँ से निकल जाता है, क्योंकि अभी इसको मैं क्रॉप नहीं करता हूँ तो ये इसको पकड़ के रखता है, तो इसीलिए मैं यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको सिलेक्शन कर लिया। तुम देख सकते हो कहाँ से कहाँ तक मैंने सिलेक्शन कर लिया है, एंड देन यूवीज में जाके कट यूवी से यहाँ से मैंने उसको कट कर दिया है, ठीक है। अगर तुम चाहते हो तो फोरहेड से भी, मतलब सर के ऊपर से भी थोड़ा उसको क्रॉप कर सकते हो, बट यहाँ इसमें ऑलरेडी क्रॉप किया हुआ है, ठीक है, तो इसको अलग से क्रॉप करने का जरूरत नहीं है। देन नाउ सिलेक्ट यूवीज जो मैं पहले कर रहा था, अभी तुम इसको यूवी पूरा सिलेक्शन करके जैसे मैंने इसको किया है, मैं अगर इधर से अनफोल्ड यूवीज ऑप्शन लेके आता हूँ, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, अनफोल्ड यूवीज का ऑप्शन लेके आता हूँ, तो ऑप्शन आने के बाद भी ठीक है, तो पहले से काफी बेटर तुम्हारा यूवीज अंदर हो गया ना। इस पोर्शन में जो मेरा लीव्स, तुम यहाँ भी देख सकते हो कि नोट्स प्रॉपर ओपन हो गया। अभी लीव्स पोर्शन में क्या हुआ, ये जो अंदर वाला चीज है ना, ये ओवरराइट हो गया। ओवरराइट मतलब अगर मैं इसको सिलेक्शन करता हूँ, सी ये अंदर वाला पोर्शन है, इस वक्त मैं सिलेक्शन करता हूँ, तुम देख सकते हो कि ये अंदर वाला पोर्शन सिलेक्टेड है, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक और कह सकता हूँ कि इस पोर्शन को मैंने सिलेक्शन करके मैं यहाँ उसको यूवीज एंड देन कट यूवीज एजेस एंड देन सिलेक्ट सेल, तो ये पोर्शन सिलेक्ट करके, ठीक है, ये पोर्शन सिलेक्ट करके मैं उसको ऊपर की तरफ लेके चला जाता हूँ। तो यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ मेरा आराम से वो निकल जाता है, तो ये ओवरलैपिंग नहीं रहता है, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है इसको मैंने अलग से ले लिया है, तो सेल इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, इसको भी थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरा प्रॉपर अभी जो मेरा फेस है वह अभी अंदर हो गया। तो मैं दोबारा पहले से बता देता हूँ मैं क्या क्या किया है। मैंने पहले फेस को सिलेक्शन किया है, इसका जो फेस है उसको सिलेक्शन किया है। सिलेक्शन करने के बाद मैंने क्या किया था, मैंने इसमें सिलेंड्रिकल मैपिंग अप्लाई किया था। सिलेंड्रिकल मैपिंग अप्लाई करने के बाद मैंने यहाँ से हटा के इधर लेके आया, एंड देन जो ओवरराइट हो रहा था, जैसे कि माउथ का पोर्शन, आईज का पोर्शन, ईयर का पोर्शन, उसको मैंने कट करके अलग से मैंने रखा है। एंड देन इसको मैंने क्या किया था, जो चार कॉर्नर वाला वर्टेक्स है, जो चार कॉर्नर वाला मेरा यूवीज है, ठीक है, उसको हटा के मैंने यहाँ से पॉलीगॉन में जाके अनफोल्ड के ऑप्शन बॉक्स में गया था, एंड देन इधर मैंने लेगेसी तीन सिलेक्टेड यूवीज मैंने किया था, ओके, एंड देन अप्लाई किया था, ठीक है। अभी ये एक बार में नहीं होता है, अच्छी तरह से समझ जाओ, ये एक बार में नहीं होता है, तुमको बार बार इसको करके प्रॉपर वे में तुमको अनरैप करना पड़ेगा, मतलब देखना पड़ेगा कि कौन सा अनरैप तुम्हारा प्रॉपर हो रहा है। और उससे पहले मैंने चिन में कट मार दिया था, मतलब चिन का जो एज है मैंने उसको कट कर दिया था, ताकि जैसे हम लोग पेज कभी कभी किताब का पेज जब हम लोग टर्न ओवर करते हैं तो कोई कोई पेज ऐसे जुड़ा हुआ रहता है, फिर हम लोग उसको चाकू से काट देते हैं, एंड देन फिर ऑटोमेटिकली खुला हो जाता है, तो सिमिलरली वो ऐसा ही है, ठीक है। तो फेस का अंदर हो गया, ये साइड वाला शर्ट का अंदर हो गया, उसके बाद तुम नेक्स्ट अंदर कौन सा करोगे, तुम ये बॉडी पार्ट को अंदर करोगे,
ठीक है, तो बॉडी पार्ट को अंदर ऐसा कुछ खास नहीं है, बट तुमको पाएगा जब तुम इसका कॉलर पोर्शन, तो कॉलर पोर्शन में कोई चैलेंजिंग मोड नहीं है, ऑलरेडी हम लोगों ने इधर देख लिया है क्योंकि ये भी अंदर की तरफ था। तो क्या किया था हम लोगों ने, हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम लोग उसको कट एजेस कर लेंगे, वो अलग हो जाएगा एंड देन फिर हम लोग उसमें टूल्स में जाके स्मूथ यूवीज, कहा गया स्मूथ यूवीज, ठीक है, वो अप्लाई करेंगे तो इसमें ऐसे ऐसे ऐसा ओपन हो जाएगा एंड देन बाद में उसको क्या करना है, उसके एज के साथ उसको स्टिच कर देना है ताकि वो एक साथ आ जाए। ठीक है, तो मैं अभी तुम लोगों के लिए इतना ही दिखाता हूँ, मैं इससे आगे नहीं जाता हूँ क्योंकि इससे आगे मैं अभी तुम्हें पूरा अंदर कर दूंगा, प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहता हूँ तुम लोग धीरे धीरे इतना तक समझ जाओ